हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आप हैं स्माइल विद पूनम के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लोगों के लिए कुछ नई रेसिपी लेके आती हूँ। उसकी नई रेसिपी नहीं, नॉर्मल रेसिपी ही होती है, बट वो मेरे थोड़ा सा मेरे स्टाइल में होती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊँगी आप लोगों के लिए स्वीट चिकन, जो कि नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए है। और मैं आपको ले चलती हूँ, दिखाती हूँ क्या क्या इसमें चाहिए होगा हमको। सबसे पहले तो हमको चाहिए होगा चिकन, देन कर्ड, और मसाले हैं ये। इनमें हो गया थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, चिली, रेड चिली एंड टर्मरिक, और ये हो गया हमारा ब्लैक पेपर। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए तो मैंने आपको सामग्री बताई दी है कि क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हमको चाहिए होगा हल्दी पाउडर। मैंने 2 kg चिकन लिया हुआ है, आप लोग अपने हिसाब से चिकन लीजिए, जो जितने आपके घर में मेंबर हो। मेरे घर में आज मेंबर थोड़े से ज़्यादा है। ये सब ऐड करती हूँ मैं मसाले। ये हो गया चाट मसाला, भूल गई थी, योगर्ट, लेमन। इसमें मिलाएंगे नमक। नमक आपने टेस्ट के अनुसार मिलाइएगा, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं। और मैरिनेशन के बाद इसको कम से कम आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगी। अभी मैंने रखी हुई है कढ़ाई, और उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हम अपने चिकन के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब इसमें ऑयल गर्म हो चुका है, और हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। बहुत ध्यान से फ्रेंड्स फ्राई करें। इसे हम होने देंगे फ्राई, और हम ध्यान रखेंगे कि ये जले ना, जिसके लिए मतलब गैस को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर करेंगे। ठीक है, ये जल जाएगा। ठीक है, बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हमने निकाल लिया है प्लेट में, और उसको थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर उस पर निकाला होगा ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। उसके बाद उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू। एक बार फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। थैंक यू।